दोस्तों, अगर आप भी ऑप स्टॉक ऐप के यूजर हो और किसी कारण से अपने ऑप स्टॉक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो कैसे क्लोज कर सकते हो, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूं और आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आसानी से ऑनलाइन प्रोसेस से अपना ऑप स्टॉक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो अगर अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो अपना ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में ऑप स्टॉक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दो कि ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करना काफी आसान है, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड या स्टॉक या आईपीओ का सारे होल्डिंग्स को क्लियर कर लेना है। आपका एक भी होल्डिंग्स एक्टिव नहीं रहना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करना है। तो ऑप स्टॉक अकाउंट क्लोज करने के लिए जैसे आप अपने ऑप स्टॉक के होम स्क्रीन पर चले जाते हो तो लेफ्ट साइड में ऊपर में प्रोफाइल के लोगो पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर नेम एंड आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको ब्राउजर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और सबसे लास्ट में अकाउंट क्लोजर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहां पर आपको अकाउंट क्लोजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन से आपको अकाउंट क्लोज करना है। तो यहां पर आपको कोई भी रीजन सेलेक्ट लेना है अपनी इच्छा अनुसार और उसके बाद नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहां पर आपका सारे ऑप्शन के सामने साइन मार्क का चिन्ह हरे कलर का लगा रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नो एक्टिव होल्डिंग्स के सामने साइन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, इसके अलावा नो एक्टिव म्यूचुअल फंड के सामने साइन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार से आपको टोटल ऑप्शन के सामने हरे कलर का साइन मार्क का चिन्ह लगा होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे में क्लोज अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है अपना ऑप स्टॉक अकाउंट क्लोज करने के लिए और जो भी ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आता है उसको आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और ओटीपी कंफर्म करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होने लगता है और आपसे कंफर्म किया जाता है कि अगर आप अपने अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन क्लिक करते हो तो 3 से 4 दिन का समय लगता है, उसके बाद जो आपका ऑप स्टॉक अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं ओके वाले ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ अपना ऑप स्टॉक अकाउंट क्लोज करने के लिए। उसके बाद जो है अकाउंट क्लोजर इन प्रोग्रेस में चला जाता है और उसके बाद 3 से 4 दिन बिजनेस वर्किंग डेज के अंदर आपके अकाउंट को क्लोज कर देता है और आपको मेल के थ्रू बता दिया जाता है कि आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। तो ये है ऑनलाइन प्रोसेस ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज करने का। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से आप आसानी से ऑनलाइन प्रोसेस से अपने ऑप स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। तो अगर अभी भी आपको मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ।